कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों। आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली स्त्री वशीकरण टोटका बतलाऊंगा, जिससे कि स्त्री खुद आपसे पट जाएगी, आपसे प्यार करने लगेगी, आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी। मेरे भक्तों, नींबू का कमाल देखिएगा, जादू टोना टोटका जितने भी प्रक्रिया होते हैं उनमें नींबू का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर नींबू से कोई टोटका कर दिया जाता है तो ये कभी खाली वार नहीं जाता है। मेरे भक्तों, मैं आज इस नींबू का कमाल बताऊंगा, इस नींबू का वशीकरण बताऊंगा कि किसी भी स्त्री को कैसे अपने प्यार में पागल करना है, कैसे तड़पाना है अपने प्यार में कि वो स्त्री खुद चलकर आपके पास आए, आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाए। मेरे भक्तों, हम डेली 100 लोगों का यहाँ पे फ्री में वशीकरण करते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपका भी वशीकरण जरूर करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, और कोई भी समस्या हो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। और यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा मेरे भक्तों, कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि मेरे पास कॉल करो, मैं आपका वशीकरण करूंगा, लेकिन वो लोग आपसे रुपये ठगेंगे। आपको हमेशा यह याद में रखना है कि किसी को भी एक रुपया नहीं देना है वशीकरण कराने के लिए, एक रुपया नहीं। उसको डायरेक्ट बोलिए, फ्री में करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, ठीक है। तो आइए मैं बतलाता हूँ आपको कि कैसे नींबू से किसी भी स्त्री को पल भर में अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक पावरफुल वशीकरण टोटका है मेरे भक्तों। मैं आप लोग से विनती करता हूँ, हाँ जोड़ता हूँ कि इसका गलत प्रयोग कभी नहीं कीजिएगा। अगर किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो इसका प्रयोग कीजिएगा। इसके करने के बाद में वो स्त्री खुद आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी, आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी। तो आइए बतलाते हैं कैसे इस नींबू से किसी भी कुंवारी लड़की को या शादीशुदा महिला को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। कोई स्त्री है किसी पुरुष को वश में करना चाहती है तो इसका प्रयोग कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। इससे किसी के सास ससुर ननद भौजाई किसी को भी वश में कर सकते हैं। तो आइए बतलाते हैं कि कैसे किसी लड़की को अपने प्यार में पागल करना है। मेरे भक्तों, सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है, साबुत नींबू होना चाहिए जो पूरी तरह से पीला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस टोटका को किस दिन करना है कि ज्यादा पावरफुल होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं। मेरे भक्तों, किस दिन करना है इसको, करना है रविवार के दिन, शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन। यह 3 दिन याद रखिएगा मेरे भक्तों। करने का समय हम बता रहे हैं आपको, दोपहर में कर रहे हैं तो 12 बजे से 3 बजे के बीच में करना है, ठीक है। और रात में कर रहे हैं तो 12 बजे से 4 बजे के बीच में करना है, ठीक है। और हाँ, अमावस्या, पूर्णिमा या कोई ग्रहण है जिस दिन इसका प्रयोग आप करते हैं किसी भी समय, तो एकदम पावरफुल होगा, एकदम सिर्फ 2 मिनट के भीतर में यह असर दिखा देगा। और रविवार, बुधवार, शुक्रवार के दिन करते हैं तो सिर्फ इसमें 12 घंटे के भीतर में यह असर दिखा देगा। तो आइए बतलाते हैं मेरे भक्तों कैसे इस नींबू से किसी भी स्त्री को पल भर में अपने प्यार में पागल करना है। सबसे पहले इस नींबू को लेना है, अपने सर से इस प्रकार से, अपने सर से आपको क्या करना है, 7 बार उल्टा घुमा देना है। 7 बार घुमाने के बाद में आपको करना क्या है, इसको आप अपने घर के आंगन में मिट्टी को कोन दीजिए, मिट्टी को कोन दीजिए, बीच आंगन में मिट्टी को कोन देना है। ध्यान से देखिएगा मेरे भक्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, भगा कर देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। क्या करना है, मिट्टी को कोन देना है बीच आंगन में, थोड़ी सी मात्रा में, जैसे कि यह नींबू उसमें रह सके, ठीक है। आपको मिट्टी को कोनने के बाद में करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसको अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा कर इस नींबू को अपने आंगन के बीच भाग में इसको दबा देना है। दबाने के बाद में आपको करना क्या है, हमेशा याद में रखना है कि रविवार के दिन या शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन करना है। और क्या करना है, मिट्टी को कोन करके आंगन में दबा देना है। दबा देने के बाद में इसको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, अगले दिन इसको क्या करना है, मिट्टी से बाहर निकालना है, मिट्टी से बाहर निकालना है, अपने घर के आंगन के मिट्टी से इसको बाहर निकालना है। फिर इसको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, आप जिस लड़की को अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं उसका नाम इस नींबू पर लिख देंगे। जैसे कि मान लेते हैं
कि आप किसी लड़की से प्यार करते हैं वो आपको भाव नहीं देती, या खोया हुआ प्यार है उसको पाना चाहते हैं, या किसी लड़की से प्यार करते हैं उसको पाना चाहते हैं, उसी से शादी करना चाहते हैं, तो उस लड़की का नाम इस पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लेते उस लड़की का नाम कोई भी हो, आपका जो भी उस लड़की का नाम हो वहाँ पर वो नाम लिखिएगा। हम आपको बताने के लिए यहाँ पर एक दूसरा नाम लिख रहे हैं, जैसे कि मान लेते उसका नाम है यहाँ पे क्या कुछ भी नाम लिखते हैं, सुनीता नाम लिख देते हैं। ठीक है ना, सुनीता। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, लड़की का नाम लिख देना है सुनीता। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना, पीछे वाला भाग में आपको उलट करके, ठीक है ना, इसके ठीक नाम यहाँ पे लड़की का लिखा है, यहाँ पे पीछे वाला भाग में आपको क्या करना है, अपना नाम लिखिएगा। आपका जो भी नाम हो आप यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका नाम है यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं मनोज, तो यहाँ पे लिख देंगे मनोज। ठीक है, एक साइड में लड़की का नाम, एक साइड में अपना नाम। ठीक है, उसके बाद में नीचे वाला जो भाग है, यहाँ पे नीचे वाला जो भाग है, यहाँ पे एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है मेरे भक्तों, स्वास्तिक का। अब बस आपका काम हो गया मेरे भक्तों, सिर्फ यह एक काम कर दीजिए, उसके बाद में आपका काम पूरा हो जाएगा। वो लड़की खुद तड़पने लगेगी आपके प्यार में, खुद बेचैन हो जाएगी, आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी, हर पल पल आपको याद करेगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी। मेरे भक्तों, मैं दावा करता हूँ कि अगर सच्चे दिल से सच्चे मन से इसका प्रयोग करते हैं तो सिर्फ 12 घंटे के भीतर में यह असर दिखा देगा। इसको अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा मेरे भक्तों, इसको अपने सर से फिर 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद में इसको करना क्या है, किसी भी चौराहे पर ले जाकर इसको आराम से रख देना है। और ध्यान रहे, जब किसी चौराहे पर रख रहे हैं इसको, तो कोई आपको देखे नहीं, कोई टोके नहीं। चौराहे पर रखने के बाद में आपको क्या करना है, घर वापस आ जाना, घर वापस आ जाना है। और यह ध्यान देना है कि पीछे मुड़कर देखना नहीं है, घर आ जाना है लेकिन पीछे मुड़कर देखना नहीं। घर वापस आए और हो सके तो घर के बाहर आप पैर धो ले, हाथ धो ले और सर पे पानी इस तरह से कर ले, उसके बाद में चारों दिशा में छिड़क दे, उसके बाद ही घर में प्रवेश करें। उसके बाद में घर में चले जाएं और उसके बाद में बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके उस लड़की का नाम जिसका वशीकरण करना चाहते हैं, उस लड़की का नाम अपने मन में 7 बार ले लें और चारों दिशा में आपको क्या करना है, फूंक मार देना है। इस तरह से नाम लेकर फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में बस आप निफिक्र हो जाइए मेरे भक्तों, बस आपका काम हो गया। उसी समय से असर शुरू हो जाएगा और 12 घंटे के भीतर में आपका पूरा काम हो जाएगा। उस लड़की के दिलो दिमाग में आपके लिए प्यार भर जाएगा, वो आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी, हर पल पल आपको याद करेगी, एकदम बेचैन हो जाएगी, पागल सी हो जाएगी, आपसे शादी करने के लिए बेचैन हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट किया, गुरु जी आपके मंत्र से तो मैंने किसी लड़की को वश में कर लिया है, लेकिन यह इतना ज़्यादा असर हो गया है कि लड़की हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो मैं उनको यह कहूंगा मेरे भक्तों कि अगर आप उससे सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, उसी से शादी करना चाहते हैं, तो इसका प्रयोग कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसी से शादी हो जाएगा, आपका गारंटी है उसी से शादी हो जाएगा, खुद आपसे शादी करेगी। अगर मान लीजिए किसी को गलत काम करने के लिए सिर्फ वश में कर रहा है तो वश में तो कर लीजिएगा, फिर तो बाद में बस आपका काम निकल जाएगा, छुड़ाने के लिए तो कुछ चाहिए, तो वो लोग हमारे पास फिर दोबारा कांटेक्ट करते हैं कि गुरुजी कुछ उपाय बताइए कि हमको उससे पीछा छुड़ाना है। तो मैं आप लोग से विनती करूंगा कि इसका गलत प्रयोग नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत ही पावरफुल है। अगर आप हमसे फ्री में वशीकरण कराना चाहते हैं तो आप हमसे हमेशा जुड़े रहें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, लड़की का नाम लिखकर भेजते रहिए, आपका भी जिस दिन नंबर आ जाएगा उस दिन आपका फ्री में जरूर वशीकरण करेंगे। मेरे भक्तों, आप हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाँ, हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी को भी फ्री में कहीं भी वशीकरण कराइए, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को भी वशीकरण के लिए 1 भी रुपया नहीं देना।
जो बोले कि हम आपका वशीकरण करेंगे तो ठीक है वशीकरण कीजिए, लेकिन एक भी रुपया नहीं देंगे, ठीक है, एक भी रुपया किसी को मत दीजिए, ठीक है। हम आपको यह हमेशा बोलते आ रहे हैं कि किसी को भी एक रुपया नहीं देना है वशीकरण के लिए, ठीक है। मेरे भक्तों आप लोग हमेशा खुश रहे, हमारा जो आशीर्वाद है आप लोगों के साथ में हमेशा रहेगा, भगवान की आशीर्वाद आप लोगों के हमेशा साथ में रहेगा, आप लोग हमेशा आगे बढ़ें, और कोई भी समस्या है तो नीचे आप कमेंट में कमेंट कीजिए, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। धन्यवाद।